कराची में भी ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। 3 दिन में केसेस की शरह 2% से बढ़कर 6% हो गई। वफाकी माहिरीन सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन कराची में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। शहर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद भी 54 हो गई। कराची में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद कोरोना केसेस का तेजी से फैलाव जारी है। महकमा सेहत सिंध ने कारोबारी औकात महदूद करने और मुख्तलिफ अजला में स्कूल बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा सेहत का कहना है कि स्कूलों और कारोबार बंद करने के हवाले से 2 से 3 रोज में वज़ीर-ए-आला सिंध की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला किया जाएगा। जबकि कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.91 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज 2650 लोगों के टेस्ट हुए, जिनमें से 236 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। जबकि कराची में वैक्सीन की शरह मुल्क में सबसे कम है। अब तक सिर्फ 40% लोगों ने वैक्सीन कराई है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई थी, जिसमें 6 खवातीन और 4 मर्द शामिल है, जिनका ताल्लुक कराची के जिला वस्ती गर्भी और शर्की से है। मेहताब हुसैन, अरकम न्यूज़, कराची।